खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और आज का टॉपिक है वो है आपकी हेयर फॉलिंग और पैचेस पड़ना, एलोपेशिया और दो मुंह के बाल झड़, दो मुंह के बाल हो जाते हैं, बालों का पतला होना और बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हैं आज के टॉपिक में। ठीक है, वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन हम लोगों ने आज, क्योंकि हम लोगों ने चाहते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से, जैसे लोग ऑयलिंग नहीं करते और जो लोग केमिकल यूज़ करते हैं फिर वो डरते हैं ऑयल करने से और बहुत अवॉइड करते हैं, इतनी बेवकूफ़ी करते हैं जब वो हेयर कलर करवा के पार्लर सैलून से जब वापस आते हैं उसके बाद वो इतने वो हो जाते हैं, बस वो शैम्पू करना, बालों को धोना, ऑयलिंग दूर कर देते हैं जिसकी वजह से उनके बालों में और डैमेज हो जाते हैं। आज हम लोगों ने आपको स्पेशल एक मैजिक ऑयल, मैं ये कहूँगी उसका नाम मैंने रख दिया है मैजिक ऑयल रेलेवेंट टू इमरान मोहम्मद इमरान, उन्होंने ये ऑयल आपको बना के दिया। और हर जड़ी बूटी जो हमारे बालों को सूट करती है, हमारे बालों को फ़ायदा देती है लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो पंसारी के पास जाएं, वो सब चीज़ें लें लेकिन अपनी आंखों के सामने उस चीज़ को खुद भी ऑयल बना सकते हैं। लेकिन अगर यू डोंट हैव अ टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिज़ी रहते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, तो फिर इसका सोल्यूशन मैं इनसे पूछती हूँ। एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ मोहम्मद इमरान साहब, हर्बलिस्ट। आप मुझे बताएं ऑफ कोर्स, या तो कोई अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं या अपना ऑफिस का बताएं, अपनी टाइम बताएं, क्योंकि जैसे हम जैसे लोग जो बिज़ी होते हैं, जो ऑफिस वर्क हैं, बैंक में करते हैं, कॉल सेंटर में, वो कहाँ बनाएंगी बेचारियाँ, क्या करें, वो आप बताएं। देखिए उसके लिए तो आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है तो वो भी देख लें, वो भी मैं बता देता हूं। नंबर बोलें आप मुझे, 0321 0321 211 211 70 70 35 35। ये नंबर एक बार फिर रिपीट कीजिएगा, दूसरा भी दे दो नंबर। हाँ हाँ बताइए, 0315 0315 221 221 70 70 35 35। दूसरा वारिद का। और आप अपने कौन सी जगह पर बैठते हैं? जी सदर में है मेरा है, सदर तो बहुत बड़ा, मैं आवाज दूं इमरान मदीना पंसार के नाम से। ओके, तो शॉप है और इसके अलावा कोई करीब लोकेशन बताइए। ये एम्प्रेस मार्केट के करीब ही है। ओके, एम्प्रेस मार्केट के करीब है, मीर करम अली तालपुर रोड है, वहाँ पे मदीना पंसार मशहूर है। ये बात है ना। ओके, हम चाहते हैं जी, देखिए हम इतनी सारी बात करें, लोगों के लिए आसानियां तो पैदा करें ना। अच्छा, इसके अलावा वैसे जो है मेरा अपना फेसबुक पेज भी है। किस नाम से? हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से। ओके, उसे भी आप लाइक करें, फॉलो करें। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल है मेरा, वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से। ओके, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, मेरी काफी और भी वीडियोस आपको मिलेंगी उसमें। ये बात हुई ना। तो इसके अलावा जो है अभी मैं ये दोबारा से आपको रिपीट करके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमने इसमें डाली हैं, जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है तो वो दोबारा से नोट कर लें। और ये पूरे पूरा बताएं कि आज हमने टॉपिक क्या किया ताकि उससे बिल्कुल एक कनेक्ट। ये हमारा जो टॉपिक था बालों पे था, बालों का ये जो अभी मैंने ऑयल बनाया है इसके जो खास फायदे हैं वो ये हैं कि 3 से 5 दिन में गिरना और खुश्की दूर करती है, 10 दिन बाद घने होना बढ़ना शुरू हो जाते हैं बालों का, और मजीद बालों को तेज़ी से उगाने में मदद देता है, और जैसे बालों का 2 मुंह हो रहा हो, आधा बाल टूट रहा हो या जड़ से टूट रहा हो उनको भी ठीक करता है, मजीद वाइट होने से बालों को रोकता है लेकिन वाइट बालों को काले नहीं करता, ठीक है, झूठ नहीं बोलते हम, ठीक है, मज़ीद वाइट होने से रुकते हैं और बालों को तेज़ी से घने लंबे करता है। और इसके अलावा जिनको नींद ना आती हो, ठीक है, नींद के लिए बेहतरीन है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमने ऐसी ऐड की हैं जो आपके दिमाग को सुकून देती है और नींद अच्छी लाती है। और इसके अलावा जिनके सर में जुएँ हों, जुओं के लिए बेहतरीन है ये, इसमें कुछ चीज़ें हमने ऐसी ऐड की हैं जो जुओं के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। और ये ऑयल जो है 5 साल से ले कर 50 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी भी किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन 5 साल से कम उम्र बच्चे इस्तेमाल ना करें, ठीक है, उसके लिए फिर हम दोबारा कोई वीडियो बनाएंगे तो एक प्रोग्राम जो है ना हम करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें आपने लेनी हैं। तो ये इस ऑयल के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली थी ये मैं आपको पहले बताता चलूँ। इसके लिए हमने लिया था कोकोनट ऑयल 60 ml, कैस्टर ऑयल, ये सारी बॉटल्स एक जगह करें वहाँ पर ही और बताते जाए वन बाय वन ऑयल कौन कौन से डले, ठीक है जी, वन बाय वन। अब ये गुड लाइन से, यस जी, तो ये हमने जो ऑयल लिए हैं, यस दैट्स गुड। ओके, सबसे पहले इसमें कोकोनट ऑयल 60 ml, कैस्टर ऑयल 60 ml, और आर्निका ऑयल, आर्निका ऑयल 120 ml, रोगन एजुल प्लस छड़ेला रेहान हर्बल फार्मा का 120 ml, और रोगन ए
देख पर श्योशा जिसको हंसराज की जड़ का तेल भी कहते हैं 60 ml, रोगन ए बेख बरामी बूटी यानी बरामी बूटी की जड़ का तेल ये भी आपने लेना है 60 ml, ठीक है। ये तो हो गए ऑयल। फिर इसमें जो जड़ी बूटियां हमने डाली हैं कौन कौन सी डाली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमने लिया है आकाश बेल जिसको अमर बेल कहते हैं 1 teaspoon या टेबल स्पून, और बालचर 2 inch के बराबर 2 टुकड़े, और रतन ज्योत ये तकरीबन 1 चम्मच 1 tablespoon, और इसके अलावा छड़ेला जिसको पत्थर के फूल भी कहते हैं वो भी 1 teaspoon या टेबल स्पून, और खसे हिंदी जो है ये इस तरीके से बालों की तरह होता है तो ये भी आपने लेने हैं 1 tablespoon, और मेथी दाना टीस्पून या टेबल स्पून वो आपकी मर्जी है, और कलौंजी ये भी टीस्पून या टेबल स्पून वो आपकी मर्जी जितना डाल सकते हैं इसमें, और फिर इसके अलावा इसमें अनार की जड़ का पाउडर 1 teaspoon, और मेहंदी की जड़ का पाउडर ये भी 1 teaspoon, और फिर इसके अलावा इसमें सुरमा डालना है आपने, साबुत सुरमा पीस कर 1 चाय के चम्मच के बराबर। फिर इसमें जूट की जो बोरी है उसकी जो राख होती है उसको जला के आपने राख बनाना है तो ये भी 1 teaspoon, और नारियल की जो छाल है उसकी राख वो भी आपने 1 teaspoon लेना है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस बोतल में डाला, और बोतल में डालने के बाद जो है इसको आपने मैंने तरीका बताया था कि आपको इसको इस तरीके से जो है ना इसके अंदर 2-3 सुराख कर लें इसके, इस तरह के वाशर लगा के ताकि आपको तेल लगाने में आसानी हो, तेल छन के बाहर आए। अगर आपको इस तरह का वाशर मैसर ना हो तो आप इसके ऊपर जो है जाली वाला कोई कपड़ा लगा के ये भी इस तरीके से भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है अगर ये भी ना हो, कपड़ा भी ना हो, तो फिर इसी ढक्कन के ऊपर आप जो है 2-3 सुराख कर लें ताकि ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। और जब भी इसको इस्तेमाल करना हो अच्छी तरह हिला के शेक करके सुबह लगा के रात को धो लें, या फिर रात को लगा के सुबह धो लें, 3 दिन भी ये ऑयल बालों में लगा रहे तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह आपकी मर्जी, रोजाना लगाएं या एक दिन छोड़ के लगाएं वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। और इसको पहले दिन इसका कैप खोल के 3 घंटे के लिए धूप में रखना है। अगर किसी के घर में धूप नहीं आ रहा हो तो इसको 12 घंटे तक भीगा रहने दें, 12 घंटे के बाद इसको यूज करना शुरू करें। अच्छा, और ये जरूरी है दोनों कैप उतारने या एक कैप नीचे दोनों उतार के धूप देने के लिए दोनों कैप उतारने आपने ख्याल रखना, ये ना कोई बच्चे आए और मार के तेल बराबर। बिल्कुल ऐसा भी होता है बालों का किसी ने रखा होता है और छत के ऊपर या कहीं पर रखा होता है तो कहते हैं जी बिल्ली ने फेंक दिया, बिल्ली ने, या कोई खुले कांच के बर्तन में भी रख सकते हैं अगर। लेकिन फिर जड़ी बूटियां कैसे निकालेंगे इसमें से, बॉटल में से कैसे निकालेंगे? ये बहुत जरूरी जी, तो क्योंकि जड़ी बूटियां इसके अंदर जो सारी हैं वो साबुत हैं, फिर उसको निकालने में कोई चिमटी वगैरह से निकाल के हम उसको कुछ मतलब इसमें के कुछ सेफ हो या तो फिर ऐसा हो सकता है कि किसी बॉल में आप इसको बना लें, ठीक है, और फिर जो है ना इसको धूप देने के बाद फिर बॉटल में फिल कर दें, लेकिन फिर बूटियां डालनी है अंदर, क्योंकि हम पहले अगर एक बाउल में ऑयल निकालें फिर जड़ी बूटियों को एक एक करके नीचे करके हम चिमटी से निकाल के सारे उसमें डाल सकते हैं, किसी न किसी तरह अगर हम कर दें तो कर सकते हैं, बिल्कुल जिसमें आपको आसानी हो। लेकिन ये जड़ी बूटियां एंड तक अंदर रहेगी, जितना इसको टाइम होता रहेगा उतना, क्योंकि एक टोटका है। नहीं मैं समझ गई, यानी कि ये भी एक इसमें कोई बात है, जब मैं राज है। इसको एंड तक आपने इसी तरह रखना है, ओके, और इसको इस्तेमाल करते रहें। और कोई भी अच्छा शैम्पू इसके साथ यूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप जो है ना कोई मखसूस शैम्पू जो आपके बालों को सूट कर रहा हो वो आप यूज कर सकते हैं, इसके साथ कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। और अपनी गिजा अच्छी रखें, आप अपनी गिजा में फिश का इस्तेमाल रखें, और इसके अलावा अंडे, दूध, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, दालें, सब्जियाँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और आपके अंदर किसी चीज़ की अगर कमी हो रही है, वाइटामिन डी, जिंक वगैरह की, तो इसके लिए भी आप अपनी जो है या तो फिर जो है ना गिजाओं से इसकी ज़रूरियात को पूरी करें, या फिर जो है ना कोई मेडिसिन ले सकते हैं आप साथ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा फिश खाना है और दालें ज़्यादा से ज़्यादा, लोबिया बहुत अच्छा है, और दालों में हम लोग जैसे मूंग मसूर की दाल में लौकी डाल के बहुत अच्छा बना सकते हैं। असल में आप डिपेंड करता है कि आप लोगों के ज़रा फोकस होता है ना, बस ज़्यादा ऑयली और मिर्च मसालों से ज़रा सा अवॉइड करें और हमारे पास वो हमारा फूड हम इनटेक करें। कुछ पेरेंट्स, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता कि ये कुछ लोग बड़े प्राउडली कहते हैं मेरे बच्चे तो गोश्त के बगैर कुछ खाते ही नहीं है, चिकन के बगैर। अरे चिकन में ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोग उसके पीछे भाग रहे हो, और जिस तरह वो कोई घर की देसी मुर्गियाँ थोड़ी हैं जो आप लोग। अब देखिए चिकन के ऊपर अगर मैं बात नहीं करूँगा, हाँ, क्योंकि फिर वो जो चिकन वाले लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं।
नहीं आप नाराज नहीं है, इसलिए जो है ना हम उस पर बात नहीं करेंगे। कभी कभी लेकिन खा चिकन जो है जिस तरीके से ये तैयार हो रहा है और फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आप बखूबी जानते हैं। वही हमारे बच्चे भी वही देखे मुर्गी की तरह बैठे ना पसंद करते। बिल्कुल आप देखिए सबसे मेन चीज जो है ना इसमें जो हमने सबसे बड़ी चीज देखी कि वक्त से पहले लोग जवान होना ये सही। ये जो जिस तरीके से बीमारियां लगना भी तो देखे ना, अब आप बीमारियां सुनिए शर्म खत्म। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अब पहले जमाने के लोग जो है ना आप जो बेटा या बेटी कोई भी हो तो वो थोड़ा सा एक दूर से मतलब वाले साहब बैठे हैं या वालदा बैठी तो थोड़ा छुप के नहीं बुजुर्ग बैठेंगे वो, आप तो साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे ये चीज जो है ना ये सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट खत्म हो। बिल्कुल पहले वाकई में बड़े आते थे और एक खुशी का माहौल होता था और उनके लिए बकायदा खड़े होते थे। अब लोग अब मैं अपने अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा मेरे साथ बैठ के मूवीज देखता है, मूवी देखता है और बकायदा डिस्कस होती है। डिस्कस होती है। आपने बाबा अभी तक देखी नहीं? देख अल्लाह माफ करे। चले लेट्स सी, पता नहीं अभी कौन कौन से ये तो पहले से हो चुका है ना हम, ये सब कुछ होगा बिल्कुल और इसको अब हम कैसे रोक सकते हैं ये हमारे अपने अंदर है। अच्छा बात हम करें हेयर की और हेयर फॉलिंग की। अच्छा आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं पहले से या नाज़रीन को बता देती हूँ इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको जो लोग अवॉइड करते हैं हेयर कलर करवाने के लिए सैलून जाना पसंद नहीं करते तो घर में हम आपको हेयर डाई बनाना बताएंगे और वो कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके जिसका यूज़ आप कर सकते हैं जो आपके बालों को डैमेज ना करे और आपके बाल जो है ना वो वाइटनेस की तरफ ना जाएं ब्लैकनेस की तरफ आ जाएं। और इन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गिज़ा की आप बात कर रहे थे और अच्छा ऑयल लगाने का हम लोग जैसे कुछ लोग बालों को लगा रहे थे लेकिन बेसिकली स्कैल्प पे लगाना बहुत जरूरी है, जड़ों में लगा। हाँ जड़ों में लगा के इसको छोड़े। बाज औकात ऐसा होता है ना कि आपके बाल बहुत वीक होते हैं कमजोर होते हैं और ज्यादा रगड़ते हैं उससे भी बाल गिरते हैं। ज्यादा रगड़ना नहीं है सिर्फ जड़ों में लगा के छोड़ देना है ठीक है। फिर कहते हैं जी आपका वो फला ऑयल बताया था किसी ने और मैंने वो यूज किया उससे तो बाल ज्यादा गिर रहे हैं। तो गिर रहे हैं जब पहले उसमें मजबूत होने तो फिर उसके बाद उसमें मसाज करें आप। पहले से ही आप उसको वीक जो कमजोर बाल हैं उसके ऊपर आप इस तरीके से जोर आजमाई ना करें, जड़ों पे लगा लें रेसलिंग करने लगे छोड़ दें आप और फिर सुबह जो है ना उसको आप धो लें या फिर सुबह लगा के रात को, यानी कि कम से कम आपके बालों पे 4 घंटे लगा रहे हो। चार घंटे बाद आप धो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जी अच्छा दूसरी चीज ये कि इसकी कोई खुशबू बुरी नहीं है। बाजू का कुछ लोग कहते हैं ना कि जी मुझे मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद ऑयल नहीं लगाती मैं बदबू बहुत आती स्मेल बहुत आती। तो ये ऑयल जो है इसकी कोई खुशबू बुरी नहीं बल्कि अच्छी, आप जरा चेक भी कर लें। ओके मैं तो करूंगी ना आप छोड़। अच्छा कुछ लोग प्याज वगैरह कभी लगाते उसके जरा सा बताइए। करेंगे ना वो अगला नेक्स्ट पॉइंट सरप्राइज है। ओके बिल्कुल बिल्कुल सस्पेंस यार इसकी तो कोई खास वो नहीं कि जैसे मैं बोलूं कोई बुरी सी है बल्कि इतनी प्यारी सी है। कुछ लोग इसकी खुशबू की वजह से भी जो है हमसे बड़ी प्यारी सी। नाज़रीन मैं सच कह रही हूँ बहुत प्यारी सी है वरना मैं जरा सा हो जाती हूँ। अब मैं जरूर इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं इसको अपने पहले इसको धूप में रखना है जैसे इन्होंने कहा कम से कम। इस ऑयल के मुसलसल इस्तेमाल से आप हैरत अंगेज तक अपने बालों को लंबा कर सकते हैं यहाँ तक अपनी हाइट के बराबर। रियली बिल्कुल मुसलसल इस्तेमाल से ओके साल हो सकता है 1.5 साल 2 साल ठीक है मुसलसल इस्तेमाल से मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है कि इस ऑयल से उन्होंने अपने किसी ने अपने घुटनों के बराबर किसी ने अपनी हाइट के बराबर अपने बालों को माशाल्लाह। तो इसके बड़े फायदे हैं लेकिन इसको कंटिन्यू यूज करें तो बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा आपने नेक्स्ट प्रोग्राम अच्छा जी जो शेफ भी आ चुकी हैं हमारे स्टूडियो के अंदर क्योंकि उसके बाद प्रोग्राम होगा कुकिंग का। जाने से पहले मैं इमरान साहब से मैसेज भी ले लेती हूँ और साथ में ये भी बता देते हैं कि वो भी बता दें कि नेक्स्ट वो इसी प्रोग्राम को हम टू बी कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट ट्यूसडे को इमरान साहब हमारे साथ होंगे और वो बात करेंगे किस पर जी नाज़रीन बताएंगे। सॉरी इमरान भाई नेक्स्ट ट्यूसडे का नहीं ठीक है ओके हो सकता है कि दिन हम आगे पीछे सरप्राइज रख देते हैं ना ओके मैं पहले से अनाउंस कर दूंगी ना जब मंडे को आऊंगी तो क्योंकि नेक्स्ट ट्यूसडे का मेरा अपना एक काम है ओके तो हो सकता है कि हम मंडे का कर लें या वेडनेसडे ओके चले मंडे या ट्यूसडे को नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला आपको हेयर कलर हेयर डाई बालों के अंदर व्हाइटनेस दूर करने का बहुत जबरदस्त होम रेमेडी लेकर आ रहे इमरान साहब व्हाइटनेस का इसके अलावा बच्चों का ओके बच्चों के लिए ऑयल ठीक है ठीक है इसके अलावा डैंड्रफ का जुओं का ठीक है तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।
यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो. बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त अवेयरनेस दी आपने. अच्छा जी इमरान साहब हमारे साथ थे. नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, जा लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ.